आपके अपने YouTube चैनल है यू कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं UPSC वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो स्टेट PCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि आखिर वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ने से हमें किस किस सब्जेक्ट में बेनिफिट होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि हम मैंने लिखा है, यूजफुल इन मेनी वेज लाइक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा कि आखिर कम्युनिस्ट मॉडल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए तो पढ़ना ही है। और जिसका ये दोनों ऑप्शनल नहीं, सिर्फ GS में है, तो जैसे हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, तो थर्ड वाले इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे हम लोग आज पढ़ते हैं कि आज रशिया यूक्रेन वॉर क्या है, क्यों हुआ है, ताइवान का इशूज क्या है, अफगानिस्तान क्राइसिस क्या है, साउथ चाइना सी में चाइना इतना एग्रेशन क्यों कर रहा है, बहुत सारा चीज़ का इसका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से ही पता चलेगा। तो चलिए हम इसका सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हिस्ट्री का सिलेबस है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ये प्रीलिम्स में आता है और ये मेंस में भी आता है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में ही आता है। तो चलिए हम इसका सिलेबस देखते हैं। 16th century में हम लोग को दो चैप्टर पढ़ना है, जो है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन, यानी इसको हम लोग रेनेसा और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म बोलते हैं। और 18th century में आता है चार चैप्टर, प्रबोधन काल यानी एज ऑफ इनलाइटमेंट, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 19th century में अमेरिकन सिविल वॉर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, और थर्ड में उपनिवेशवाद। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी से ही हम लोग को पता चलेगा कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ सारे देश आखिर क्यों हो गए थे इटली के खिलाफ। और इसके बाद आते हैं 20th century में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है, फिर उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन के बाद फांसीवाद और नाजीवाद, यानी नाजीवाद मतलब जो जर्मनी का हिटलर था उसका थेरी था नाजीवाद, और इटली का जो मुसोलिनी था उसका था फांसीवाद। 4th chapter वैश्विक आर्थिक मंदी, और 5th chapter है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर उसके बाद होता है चाइनीज रिवॉल्यूशन, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है मोस्ट डेंजरस सिविल कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। उसके बाद आता है थर्ड विश्व गुटनिरपेक्षता, जो नेम है नॉन अलाइन मोमेंट, उसी को बोलते हैं तृतीय विश्व और गुटनिरपेक्षता। 9th chapter आता है सोवियत संघ का विघटन, जो आज सोवियत संघ से टूटकर जो 15 देश बना उसका क्या मतलब, उसका कैसे हुआ, और फिर है उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक मुक्ति, ये भी पढ़ना है। और ये जापान का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कि पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। तो बस आज का यही रहा सिलेबस, फिर हम उसको लेकर कभी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।